अभी आपका किलोमीटर रनिंग हुआ है, ठीक है। तो जब 3000 और 5000 के बीच में आ जाएगा तो आपको व्हील अलाइनमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हील अलाइनमेंट यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्चुअली डीलर में कराने से अच्छा होगा, क्योंकि रिकॉर्ड रहता है ना, हिस्ट्री में हम लोग देख पाएगा। कल परसों आप लोग का व्हील का कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो लोग बोलेगा कि व्हील अलाइनमेंट नहीं किया क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, तब प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो कुछ भी डीलर में, टाटा मोटर्स का ऑथोराइज डीलर में आप व्हील अलाइनमेंट करा लेगा, तब क्या होता है, एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने से आप लोग का व्हील का कुछ प्रॉब्लम आएगा भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, अंडर वारंटी रिप्लेस हो जाएगा। नहीं तो वो लोग तो बहाना बना सकता है ना कि अलाइनमेंट नहीं किया, बाहर ये किया वो किया, ठीक से नहीं कर पाएगा। तो डीलर अगर करेगा तो डीलर के ऊपर आप ज़बरदस्ती कर सकता है, हम लोग तो किया है अभी देव, ठीक है। नहीं, फर्स्ट सर्विसिंग आएगा आपका 20,000 किलोमीटर या तो आपका 365 डेज, एक साल, वन ईयर। तो सेकेंड आएगा आपका 40, नेक्स्ट 730, थर्ड आएगा 60 या तो 1095 डेज, ठीक है। ये आपका जो पहले आएगा 20 और 1 ईयर में, 1 ईयर के बीच में जो पहले आएगा उसी दिन आपको आके यहाँ पे सर्विसिंग कराना है, ठीक है। तो आप पहले आ जाएगा, अभी 20 तो वेट मत कीजिए, मान लीजिए कि 1980 हुआ है, 19500 हुआ है, उसी वक्त आ जाए वहीं पर करा लीजिएगा, ठीक है। मैं सर्विस का नंबर लिख दे रहा हूँ, कुछ भी गाड़ी का प्रॉब्लम होगा या तो जो कुछ भी इश्यूज होगा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हाँ, बाकी रहा आपका गाड़ी में 3 साल का वारंटी है और 3 लाख किलोमीटर का वारंटी है, ठीक है। इसमें अगर वारंटी पॉलिसी के हिसाब से जो कुछ भी आपको, अगर सामान अगर कुछ ख़राब हो जाए गया, कोई मान लीजिए इंजन ख़राब हो गया, पहले हम लोग एग्जामिन करेगा कि क्या एक्चुअली इंजन किस वजह से ख़राब हुआ है। उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग अंडर वारंटी इंजन से लेकर हर एक पार्ट आपको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और वारंटी पाने के लिए ये जो है ना, सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है, सर्विसिंग कराना पड़ेगा, टाइम पे सर्विसिंग कराना पड़ेगा। टाइम पे अगर उसको सही रहेगा तो आपको वारंटी 100% मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग देखेगा, सब कुछ देखने के बाद ही वारंटी प्रोवाइड करेगा ना, किस वजह से हुआ है, किस वजह से मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी ये सिलेंडर हेड का जो कुछ भी दिया हुआ है, व्हीकल वारंटी, कितना किलोमीटर के अंदर क्या क्या सेंस हो सकता है, जैसे कि इंजन का अंदर वाटर पम्प आता है, वाटर पम्प का 3 लाख नहीं है, वाटर पम्प का 2 ईयर और 2 लाख ही है, क्योंकि वाटर पम्प इसे भी सेंस करना ज़रूरी होता है, 2 लाख के बाद वाटर पम्प का कुछ काम नहीं होता है, तो उसको इसीलिए 2 लाख का और 2 ईयर्स का ही वारंटी देता है वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे रेडिएटर का 2 ईयर्स और 2 लाख किलोमीटर, तो कुछ कुछ पार्ट है जिसका आपका 3 लाख और 3 ईयर्स का है, कुछ कुछ पार्ट है आपका 2 ईयर्स और 2 लाख का है, वो सब देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखने से आपको पता लग जाएगा। और बाकी आपका जितना भी मतलब सब पार्ट है, मान जैसे कि आपका टायर हो गया, आपका स्टीयरिंग गियरबॉक्स हो गया, वो सब एंसिलरी पार्ट है, वो हम लोग के साथ टाइप रहता है। जैसे कि आपका बैटरी अभी एमरान का दिया हुआ है, सो एमरान के साथ हम लोग का टाइप होता है। तो अगर मान लीजिए बैटरी आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग के पास आइएगा, हम लोग ये लेटर प्रोवाइड करेगा एमरान को, जो इस कस्टमर को बैटरी ख़राब हुआ है, काइंडली उसको नया बैटरी दे दीजिएगा, तो वो लोग नया बैटरी आपको दे देगा। और टायर का सेप्टर अलग होता है, टायर आपको मान लीजिए कि टायर मतलब टायर का ब्लास्ट होने से टायर का वारंटी नहीं मिलता है। अगर टायर आपका ये हो रहा है कुछ कुछ मतलब मिस अलाइनमेंट या कुछ वजह से आपका टायर मतलब ये नहीं कर रहा है, टायर का प्रॉब्लम हो रहा है, तब जितना पार्ट आप लोग का टायर रोप मतलब इसमें लॉस्ट हुआ है वो पार्ट को काट के नया टायर जितना पैसा होता है वो पैसा दे देता है, ठीक है। जितना सलाह वो पार्ट काटेगा, ठीक है, उसमें से जो बसा वो पार्ट आपको पैसा दे देगा, टायर का अलग होता है। और बाकी रहा गाड़ी का पार्ट, गाड़ी में हमेशा ये जो पार्ट है, ये बैटरी अगर 12 वोल्ट का ऊपर आएगा तो बैटरी इसमें आपका मतलब मान लीजिए बैटरी सब कुछ सही है। ये है पार्किंग का, पार्किंग हैंडब्रेक वाला है, ये मोबिल का, और ये MI लाइट है, मेन फंक्शनिंग लाइट है, ये दरवाज़ा खुला है इसलिए सिंबल दिखा रहा है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। इसमें डबल कैथोलिक कन्वर्टर है, और आपका ये जो जीरो अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है ना आपका बीच में दिखाई दे रहा है, जीरो अप एंड डाउन, ये जो है ये आपका गियर इंडिकेशन है, ठीक है। गियर इंडिकेशन क्या होता है आपका, मान लीजिए आप एक नंबर गियर में कितना स्पीड में जा रहा है, 2 नंबर में कितना स्पीड में जा रहा है, तो वो गियर इंडिकेट करेगा। मान लीजिए आप कम स्पीड में जा रहा है, स्पीड ज़्यादा सही है गाड़ी को, इसी आपको कमांड देगा कि गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है, तो उसी हिसाब से आपको गाड़ी का स्पीड बढ़ाना होगा। आप ज़बरदस्ती गाड़ी के साथ कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं 3 नंबर में पूरा दबा दिया ऐसा नहीं है। अगर ये इसी आपको कमांड देगा, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, और इसी और इसका बीच में अगर आपका कम्युनिकेशन गैप होगा ना, तब जाके इसी में प्रॉब्लम दे सकता है।
जो इश्यू का मान लेगा उसी के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। बाकी रहा आपका मेन पार्ट गाड़ी का रीजेनरेशन पार्ट, ये वाला है आपका रीजेनरेशन। अब इसमें बुकलेट में भी है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बुकलेट भी पढ़िए। रीजेनरेशन क्या होता है, गाड़ी में जो एयर फिल्टर बाहर से जो भी खींचता है ना, तो उसका कुछ कुछ मतलब खींचने से क्या होता है ना, जो बाहर का जो मतलब पोल्यूशन वगैरह होता है वो एयर फिल्टर ले लेता है, तो जो कन्वर्टर होता है, जो कैथलिक कन्वर्टर होता है ना, उसमें जमा हो जाता है। तो जमा हो जाने से गाड़ी में स्मोक लोड बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने से गाड़ी में धीरे धीरे आरपीएम स्लो होने लगता है। तो इसीलिए गाड़ी में अभी BS6 इसीलिए कहलाते हैं, मतलब वो ये रीजेनरेशन के लिए। तो रीजेनरेशन में क्या होता है आपका, पहला बात रीजेनरेशन तीन प्रक्रिया में होता है। एक तो आपका से पैसिव रीजेनरेशन, वो गाड़ी खुद ब खुद करेगा। ये वाला सिंबल अगर यहाँ पे आपका डिस्प्ले में आया जाएगा तो आपको मान लीजिएगा कि गाड़ी में रीजेनरेशन हो रहा है। ये वाला पार्ट के साथ आपको साइड में थर्मामीटर टाइप का एक तो सिंबल आएगा, तब गाड़ी थोड़ा बहुत हीट होगा, मतलब गाड़ी अपने आप को रीजेनरेशन कर रहा है, जितना भी मतलब गंदा शीश है वो सब निकाल रहा है गाड़ी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये सिंबल आ गया थर्मामीटर के साथ, गाड़ी को रुक सब थोड़ा सा मतलब रुक जाइए, रुक जाने के बाद गाड़ी अपने आप जितना भी प्रॉब्लम मतलब पोल्यूटर जितना भी सब कुछ है वो निकाल देगा, स्टार्ट करके रखेगा। नेक्स्ट आएगा पैसिव रीजेनरेशन। पैसिव रीजेनरेशन में ड्राइवर का रोल होता है। ये MI लाइट के साथ ये लाइट आएगा। MI लाइट पहले तो ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करना वो जब छोड़ देगा, ये MI लाइट के साथ ये वाला ये लाइट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पैसिव रीजेनरेशन करना है। पैसिव रीजेनरेशन में क्या करना है, आपको गाड़ी स्टार्ट देना है, एक्सेलेरेटर पेडल दबाना है, RPM थोड़ा ऊपर उठाना है, 3 और 4 के बीच में RPM लेके जाना है, 4 से 5 के बीच में भी आप ले जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रीजेनरेशन का बटन है ये 5 सेकंड तक दबाना है, ठीक है, 5 सेकंड दबा के रखना है, 5 सेकंड दबा के रखना है, उसके बाद ये कर दीजिए, उसके बाद देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अपने आप ये RPM का मीटर ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, ऊपर उठेगा, नीचे आएगा, ठीक है। कुछ देर होने के बाद RPM 0 में आ जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि गाड़ी में रीजेनरेशन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम अभी गाड़ी में है नहीं। अगर वो नहीं हुआ, फिर से दबाएगा 5 सेकंड, ठीक है, एक्सेलेरेटर पेडल पाम करेगा दबाएगा 5 सेकंड तक ये दबाना है, वो हो जाएगा। कंटिन्यू होल्ड करके रखना है, कंटिन्यू नहीं, 5 सेकंड खाली बस उसे होल्ड करके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है, एक्सेलेरेटर पेडल भी छोड़ देना है, बस हाई RPM में, ठीक है। तो कर दिया, उससे हो अगर हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो गाड़ी में जो पैसिव रीजेनरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सर्विस रीजेनरेशन में। सर्विस रीजेनरेशन में गाड़ी में RPM कम्प्लीटली स्लो हो जाएगा। RPM स्लो हो जाने के बाद आपको गाड़ी यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, हम सिस्टम में तब ये निकाल देते हैं, जितना भी खराब चीज है वो सब हम सिस्टम से निकाल देते हैं, लैपटॉप लगा के निकाल देते हैं, बस यही है और बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बाई चांस अगर गाड़ी में फॉल कोड आ गया, गाड़ी पूरा हाई रेस दे के रखिए, गाड़ी को ऑफ ऑन उसी वक्त कीजिए, 2-3 बार जितना भी फॉल कोड वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। मान लीजिए सेग इंजिन आ रहा है, मान लीजिए कि MI लाइट ब्लिंक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऑफ ऑन 2-3 बार कर दीजिएगा, अपने आप हट जाएगा, ठीक है, बस इतना सही है। खाली रीजेनरेशन का ध्यान में रखिए, रीजेनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो नॉर्मल चेकअप वगैरह जो कुछ भी आप लोग देखता रहिए कि इंजिनल ठीक है कि नहीं, कूलेंट वगैरह मिनिमम लेवल में है कि नहीं, वो सब देखना है बस आप लोग को। बाकी जो रीजेनरेशन है गाड़ी में, रीजेनरेशन का ही प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, रीजेनरेशन का मतलब अगर ड्राइवर ने नहीं किया ना, तब जाके वो मैनुअल रीजेनरेशन हो जाता है। आप कस्टमर लेके जा रहा है बास्ते में, अगर मैनुअल रीजेनरेशन आ गया, गाड़ी खींचता नहीं होगा पहाड़ में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी ये आएगा तब भी आपको करना है, अगर कंफ्यूज होता है तो आप हमको फ़ोन कीजिएगा, हम फोन में ही बोल देगा आपको, ये करना ही करना है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का रीजेनरेशन, ठीक है। और बाकी तो ये AC वाला बटन सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है, वो सब तो आपको पता ही है, वो सबको दिखाना है ही नहीं, लाइट का वगैरह ये सब दिया हुआ है। ये इको सिस्टम है, इको क्या होता है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इसको, ये दबा दिया इको आ गया गाड़ी में। ये इको दबाने से आपका फ्यूल कंजम्पशन जो होता है ना वो कम हो जाता है। जैसे प्राइवेट गाड़ी में इको दिया होता है ना 60 और 40 के बीच में इको अप्लाई करने से फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है। मान लीजिए गाड़ी में फ्यूल कम है तब इको दबा सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन में गाड़ी जाएगा आपका, स्पेस कम होगा फ्यूल का, बस इसीलिए इको आपको दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि 80 का स्पीड में गाड़ी जा रहा है, अचानक से इको दबा दिया, गाड़ी पूरा नीचे आ जाएगा, झटका मार के स्पीड कम हो जाएगा, कुछ हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इको कंडीशन अप्लाई होता है कम, आपका प्रिंसिपल स्पीड में ही इको कंडीशन अप्लाई होता है,
बस इतना सही है, खाली रीजन इसका सेटअप याद रखिए, बाकी और गाड़ी में कुछ नहीं, ये सब सीट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और आपका ये DTO वाला आजकल खूब कुछ है, ये इसमें गैस का रिफिलिंग करना बहुत ज़रूरी है फायर एक्सटिंग्विशर का। इसमें रिफिल नहीं है, इसमें ऑलरेडी रिफिल है, एक्सपायरी देखना बहुत ज़रूरी है। वो लोग देखते हैं पैसा के लिए, वो लोग थोड़ा यही चार्ज करते हैं इस गाड़ी में। और बाकी ये सब ये टूटने के लिए ये सब दिया हुआ है, ये आपका सीट को बैठाने के लिए, सीट को एडजस्टमेंट के लिए, इस सीट को पीछे करने के लिए। हेलो, बस इतना सारी है। यहाँ पे टायर प्रेशर दिया हुआ है, हाँ 38 PSI दिया हुआ है, हाँ 2.6 bar 2.6 bar। और नीचे आपका जैक और ये स्पेयर टायर दिया हुआ है, मैं चेक कर लिया हूँ, सब कुछ सही है। बस इतना सही है, खाली इसमें ध्यान में रखें, बस इतना सही है। और